हेलो गाइस, मैं सूरज राज आज आपकी नई वीडियो के साथ आया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए जूलॉजी का सेकेंड पेपर। जी हाँ, जूलॉजी का फर्स्ट डाल रखा है और जूलॉजी का सेकेंड डाल दिया, मतलब कि आज आपके सारे पेपर खत्म हो गए। तो एक पेपर और रह गया जूलॉजी का थर्ड पेपर, वो अभी डाल दूंगा लगभग मैं आधे घंटे के अंदर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, टोटल एक्चुअली सब डाल दिए पेपर। अब आपको बीएससी सेकेंड ईयर वालों को नो टेंशन 2020 के एग्जाम के लिए। जी हाँ, 2020 के एग्जाम के लिए, 2020 के एग्जाम के लिए यार, अब आपको कुछ कर परवाह लेने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने बता दिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को ही देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। देखिए आप 80% एक्चुअली 80 नहीं 85% चाहते हैं, 85% चाहते हैं, तो इस पूरे पेपर को याद कर लो। ठीक है ना, पूरे पेपर को याद करो। और एक बात बता दो, यदि आपका भाई, सिस्टर, ब्रदर, दोस्त, अड़ोस पड़ोस से कोई भी बंदा है, यदि वो हाई स्कूल और इंटर में है, जी हाँ 10 और 12 में है, तो उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में बता देना, क्योंकि हमने उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेता है तो 90% वहाँ से आ जाएगा, यदि वो क्वेश्चन देख लेता है। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए बेहतर क्लास, यदि वो चाहते हैं बेहतर क्लास कराना, तो वो भी हम उनकी वीडियो डाल देते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स सभी की डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट सी पॉइंट डालते हैं, तो प्लीज़ यार उनसे भी कह देना, और या तो फिर वीडियो का लिंक उन तक पहुँचा देना पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को। ठीक है ना, ताकि वो एक अच्छे भविष्य में एक अच्छे राह की ओर चल पड़े। ठीक है, अब देखिए बात करने वाले हैं प्राणियों के भौतिक वितरण। जी हाँ, जूलॉजी के सेकंड पेपर में पहला क्वेश्चन आपको टच करना है, और यदि आपके पास बुक, नोट्स कुछ भी है तो फटाफट खोलो, फटाफट खोलो और ये इस क्वेश्चन को सर्च करो कि प्राणियों के भौगोलिक वितरण कहाँ दिया है, और मध्यजीवी महाकाल है उसके बारे में। ठीक है ना, ठीक है ना, जो एरिया होता है मध्यजीवी महाकाल के बारे में और प्राणियों के भौगोलिक वितरण के बारे में, ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करिए। ठीक है ना, इतना क्लियर हो जाता है, चलो ठीक है। और उसके बाद में देखिए और आ जाता है ओरिएंटल परिमंडल। जी हाँ, ओरिएंटल परिमंडल के बारे में आपको देख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2020 के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, और मैंने सारे क्वेश्चन आपको जो बताए हैं केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स में, और यदि हाँ एक बता दूँ, केमिस्ट्री के बंदे हैं वो केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स, ठीक है ना, नोट्स लेना चाहते हैं, तो यार चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट डाउनलोड कर लो। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उनकी यदि पीडीएफ चाहिए, देखिए नोट्स की भी हमने पीडीएफ बना दी है और ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट डाउनलोड कर लो। एक बात बता दूं मैं आपको, कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए आपको तो पता ही होगा कि कितने बंदे फेल हुए हैं 2019 में, केवल 32% रिजल्ट रहा है, 100 में से केवल 32% 32 बंदे पास हुए हैं इस प्रकार से, मतलब कि 100% बंदे थे, 100 बंदे थे तो बस 32 बंदे पास हुए, बाकी सब फेल हुए हैं। तो आप लगा लो कितना कठिन कैसा पेपर आया होगा और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ बस उन क्वेश्चनों को ध्यान कर लो और नोट्स को डाउनलोड कर लेना, अच्छे नंबर चाहते हो, पीडीएफ, हाँ जी पीडीएफ, काहे की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। देखो हमारे लिए एक एक नंबर मायने रखता है बीएससी के अंदर, पास होना एक एक नंबर तक का कम रह जाते हैं, 32 रह बस उसके 28 हो जाते हैं, ग्रेस लग के भी पास नहीं होते, याद रखना अच्छे नंबर से पास होना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट और लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है ना, और जो बता रहा हूँ क्वेश्चन याद करते रहिए, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं देखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। तो यहाँ देखिए बात कर रहे हैं संयोजन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर टच करिए, खोलिए फटाफट, संयोजन कड़ियों के प्राणों द्वारा जैव विकास, ठीक है, जो प्राण होते हैं प्रमाणों द्वारा जैव विकास के बारे में देख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है जो आपका ऑर्कियो, देखिए ऑर्कियो प्लेट्स होता है उनके रिपेटेलियम लक्षण कैसे होते हैं, ठीक है, जो रेप्टेलियम होता है उनके लक्षण के बारे में देख लेना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है ना, जो स्पीसीज होते हैं उनकी जाति होती है उनकी स्पीस एग्जाम्पल देना है आपको, उत्पत्ति कैसे हुई, एक्सप्लेन करिए हमारे फॉर्म में, ठीक है ना, उदाहरण दीजिए। तो लैमार्कवाद का आलोचना और लैमार्कवाद, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, ये दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, हम देखो दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ लैमार्कवाद दिखा है, यहाँ डार्विनवाद दिखा है, आलोचना इसकी भी आलोचना याद कर लेना, और उसके बाद में नव लैमार्कवाद क्या है ये देख लेना, और उसके बाद में जैव विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या था, तो जी हाँ जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत को आपको देख लेना है। ठीक है ना, कुछ दिक्कत किसी को बताओ, क्वेश्चन को क्लियर करते रहिए और टच करते रहिए, टिक लगाते रहिए अपनी बुक पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए पीतक के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। जी हाँ, देखिए पीतक का मतलब क्या होता है, जो जर्दी होती है अंडे के अंदर जो पीला पीलापन होता है, उसके आधार पर हम अंडों को कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना, और अंडे कितने प्रकार के होते हैं ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विदलन। जी हाँ, विदलन क्या होता है और संक्राणुओं के प्रकार के बारे में। जी हाँ, विदलन क्या है और जो संक्राणु होते हैं उनके प्रकार कितने टाइप के संक्राणु होते हैं ये देख लेना है। और युग्मजन और संक्राणु जनन, देखिए संक्राणु जनन क्या होता है और युग्मजन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए। विदलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संक्राणु के प्रकार के बारे में। और देखिए भ्रमण कलाएं होती हैं ये बहुत ज़्यादा, और उनकी उत्पत्ति कैसी होती है, भ्रमण कलाओं की उत्पत्ति कैसी होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 100%। टिप्स लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जरा युग्म का निर्माण कैसे करेंगे और इसके टाइप इसके कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेना है। और जीवाश्म देखिए उसके बाद में आ जाता है जरायुग तो हो गया, जरायुग के निर्माण के बारे में और टाइप, और उसके बाद मंद, देखिए मंद धारा क्या होती है ये देख लेना, और जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। जी हाँ, जीवाश्म का निर्माण के बारे में आपको देख लेना है, ठीक है, जीवाश्म निर्माण। उसके बाद में आ जाता है जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है आपको पता ही होगा, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है ये देख लेना है, जीवन की उत्पत्ति के जीवाश्म निर्माण के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2020 के लिए, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, ठीक है, और जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेक्कल का, हेक्कल जो हेक्कल नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था, पुनरावृत्ति सिद्धांत, उसके बारे में देख लेना। और ये जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आ रहा है ये तो रट लेना, रट जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ, 20 ही क्वेश्चन तो दे रहा हूँ इस वीडियो में, 20 क्वेश्चन है, 20 से 21 हो जाएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं, इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं, कुछ भी करो मुझे पता नहीं है, फिलहाल इन्हीं को करना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है। चलो हेक्कल के पुनरावृत्ति सिद्धांत को याद कर लेना। उसके बाद में क्या जाता है, देखिए उपाजित लक्षणों की वंशागति। जी हाँ, उपाजित लक्षणों की वंशागति के बारे में आपको देख लेना, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आया देखिए यहाँ बोला जाता है निश्चेचन होता है, निश्चेचन किस प्रकार से होता है उसके महत्व के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन है, देखिए न्यूरल ट्यूब का निर्माण कैसे होता है, न्यूरल ट्यूब का निर्माण देख लेना, और आधी रेखा, ठीक है ना, आधी रेखा, बस आप इतना से देख लेना है। और नेक्स्ट को वीडियो में हम बताने वाले हैं जूलॉजी के थर्ड पेपर के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आप डेली का एक क्वेश्चन ही याद करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि पहला केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर है आपके पास में तो एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, सेकंड है उसका एक क्वेश्चन, थर्ड केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकंड, जूलॉजी थर्ड, इनका एक एक क्वेश्चन, बॉटनी फर्स्ट, बॉटनी सेकंड, बॉटनी फिजिक्स है तो फिजिक्स, ठीक ना, फर्स्ट सेकंड, अब तीनों के आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब कि आप टोटल जो करना है एक दिन में 9 क्वेश्चन याद करना है, कितना करना है, केवल 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, 9 क्वेश्चन आप याद करते हैं तो 20 दिन में आप टोटल फिजिक्स को रट लोगे, टोटल फिजिक्स को रट लोगे। देखिए आप एक क्वेश्चन याद करिए, भले ही आप शॉर्ट का क्वेश्चन याद करिए, लॉन्ग का मत करिए, शॉर्ट का करिए, लेकिन करिए एक क्वेश्चन, दिन में एक क्वेश्चन को याद करिए, ये बहुत बड़ा एक आपको टाइम टेबल बनाना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में पास होगे, याद रखना, तभी आप एग्ज़ाम में पास होगे। ये इस प्रकार का आपको पैटर्न लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, इस प्रकार का आपको पैटर्न लेके चलना पड़ेगा तब हम एग्ज़ाम में पास होगे। और एग्ज़ाम में पास होने का बस चार ट्रिक हमने दे रखी है कि एग्ज़ाम के कॉपी में कैसा लिखना चाहिए जो आप टॉपर बन सकते हैं, उनको सबको फॉलो करिए, उन सभी टिप्सों को फॉलो करिए और अच्छे नंबर लाइए। कोई प्रॉब्लम आती है तो सूरज पेपर हैकर है, आप वहाँ कांटेक्ट करिए, हमारे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सपोर्ट किया जाता है आपके लाइफ को और एक अच्छे भविष्य को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो आप इतना सारा का सारा यूज़ कर लेते हैं डाटा को तो आप बेहतर क्लासेस पा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉमेंट करिए, कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसका सलूशन निकाल के देंगे। और हाई स्कूल इंटर में कोई ब्रदर है आपका तो उन्हें भी बताइए हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई दिक्कत आती है कहीं से कहीं तक तो उनकी भी सहायता करी जाएगी, ठीक है ना। तो यार मुझे बताओ आप कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और प्रॉब्लम आ रही है एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ में, हिंदी इंग्लिश में, तो मुझे बताओ, उसकी भी सलूशन करके दूंगा मैं आपको, लेकिन बेहतर क्लास देंगे हम, तो यही जानते हैं आपको बेहतर पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, सुंदर पढ़ाए, ब्यूटीफुल पढ़ाए, है ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट क्लियर हो गया सभी का। और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप इन क्वेश्चनों को ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है ना। और टेलीग्राम पर भी सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पर सर्च करिए, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर जाइए। और जूलॉजी का देखिए, हम जूलॉजी का दिखाने वाले हैं,
तो जूलॉजी का वीडियो भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जूलॉजी का थर्ड पेपर की, ठीक है। तो सेकंड हो गया, बाकी सब खत्म हो गया। फिजिक्स भी डाल दी मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी सभी के पढ़ गए। आपको सेकेंड ईयर वालों का सारे के सारे पेपर पढ़ गए, फर्स्ट ईयर वालों के पढ़ गए, थर्ड ईयर वालों के पढ़ गए, कुछ रह गए वो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, दबा के इस क्वेश्चन अपने वीडियो को। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सूरज चैनल पेपर हैकर है आप, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, हमारा नंबर भी है, आप व्हाट्सएप नंबर पर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।